नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर राजस्थान न्यूज। मैं आपके साथ सौरभ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मेठड़ी कस्बे से है, जहां आज रविवार को पूर्व सरपंच व समाजसेवी लोकेंद्र सिंह की युवा टीम व ग्रामीणों के सहयोग से हिंदू नववर्ष आगमन पर नव जागृति शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ विकास समिति अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भारत माता की पूजा अर्चना के साथ किया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की भावना देखने को मिली। मुस्लिम कमेटी मेठड़ी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर पानी पिलाकर स्वागत सम्मान किया। शोभा यात्रा के दौरान सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण श्वेत वस्त्र, भगवा पगड़ी, हाथों में ध्वज पताका लहराते देशभक्ति गानों व जय श्री राम के नारों से कस्बे में हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एसोसिएशन ने पुष्प वर्षा कर जहां शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शरबत पिलाया, वहीं गोपाल गौशाला के कार्मिकों ने गाय के दूध से बनी छाछ पिलाकर शोभा यात्रा में सांस दौरान नेमीचंद कुमावत, बाबूलाल रावरिया, विजय कुमार खंडेलवाल, राजकुमार जोधा, राजेंद्र चिजारा, देवी सिंह राठौड़, रिचपाल सिंह, गणेश ठठेरा, गौशाला अध्यक्ष प्रकाश चंद गंगवाल, सौरभ गोड़, मनमोहन सिंह, अब्दुल सतार शेख, महीनुद्दीन लोहार, गफ्फार लोहार, अकील मोरियाज, जमील सोयब शेख, नदीम इरफान जोया सोयब लोहार सहित गणमान्य लोग व महिलाएं व युवक युवतियाँ मौजूद रहे। मीठड़ी से श्याम सुंदर प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।